वट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज़ अपनी टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं कंपनीज़ अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं एज की बेस पे इनकम की बेस पे जेंडर पर्सनैलिटी बिहेवियर प्रेफरेंसेस नीड लोकेशन और इंटरेस्ट की बेस पे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं कोई भी एक कंपनी कस्टमर्स की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती कस्टमर्स की नीड डिफ़रेंट होती हैं फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को कपड़े चाहिए जूते चाहिए मेडिसिन चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं तो कोई भी एक कंपनी कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती इसीलिए कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसके रिलेटेड अपनी टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स को चूज़ करती हैं और अपने टारगेट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं मार्केट सेगमेंटेशन में हर एक सेगमेंट में एक ही तरह के कस्टमर्स होते हैं एक सेगमेंट में जो कस्टमर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स उनके इंटरेस्ट और उनकी प्रेफरेंसेस एक ही जैसी होती हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्यों की जाती है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए की जाती है कंपनीज अपने टारगेट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं जब कंपनीज़ अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं तो कंपनीज़ ये आइडेंटिफाई करती हैं कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कस्टमर्स की बाइंग पावर कितनी है उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज़ प्रोडक्ट्स बनाती हैं मार्केट सेगमेंटेशन को यूज़ किया जाता है टारगेटेड मार्केटिंग के लिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी कॉस्मेटिक्स बनाती है तो उसके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो फीमेल्स हैं तो टारगेटेड मार्केटिंग के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है सेल्स स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है मार्केट सेगमेंटेशन से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि जब कंपनी की सेल्स बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होता है मार्केट सेगमेंटेशन से कंपनीज़ अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाई इनकम कस्टमर्स होते हैं ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मिलियन और बिलियन के लिए कंपनीज लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लग्जरी वॉच हैं लग्जरी कार्स हैं या लग्जरी फैशन ब्रांड्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन आज के दौर में कंपनीज़ की एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और कंपनीज़ मार्केट सेगमेंटेशन की बेस पे ही मार्केटिंग करती हैं मार्केट सेगमेंटेशन की फोर डिफरेंट टाइप्स होती हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन व्हाट इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की बेस पे कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है लोकेशन की बेस पे कल्चर क्लाइमेट और रीजन की बेस पे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं फॉर एग्जांपल फ़ास्ट फूड के बिजनेस में लोकेशन बहुत मैटर करती है आमतौर पे फ़ास्ट फूड की रिक्वायरमेंट सिटीज़ में ज़्यादा होती है और गांव में फ़ास्ट फूड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की एक और एग्ज़ाम्पल को स्टडी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो कि गर्म कपड़े बनाती है तो उसकी टारगेट मार्केट वो एरिया होता है जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है मार्केट सेगमेंटेशन की सेकेंड टाइप है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, नेशनलिटी, लेवल ऑफ एजुकेशन रेस रिलीजन ऑक्योपेशन और इनकम कंपनीज़ हाई इनकम कस्टमर्स के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और लो इनकम कस्टमर्स के लिए लो प्राइस प्रोडक्ट्स बनाती हैं इसी तरह डिफरेंट एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं जेंडर की बेस पे भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है उनकी पर्सनालिटी की बेस पे बिहेवियर लाइफस्टाइल, हॉबीज़ और इंटरेस्ट की बेस पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्सरसाइज के रिलेटेड एकट्स बनाती है तो कंपनी के टारगेट कस्टमर्स वो हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की फोर्थ टाइप है बिहेवियरल सेगमेंटेशन बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स की बेस पे ब्राउजिंग हैबिट्स की बेस पे या उनकी बाइंग हैबिट्स की बेस पे फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट पे जो ब्राउजिंग करते हैं हम इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एड हमें शो होती है और इसी तरह जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अगर हम एक तरह की प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और रेगुलरली परचेज़ करते हैं तो इसी ट्रेंड को देखते हुए हमें ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एड शो की जाती है इस तरह की जो सेगमेंटेशन होती है इसे कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन